में तहसील प्रशासन तथा नगर पालिका प्रशासन की ओर से पुरजोर तरीके से कोविड-19 टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। दिग्रस्त तहसीलदार तथा मुख्याधिकारी ने इस मुहिम में तहसील के ग्रामीणों और दिग्रस्त शहर वासियों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। दिग्रस्त तहसील में इन दिनों जिलाधिकारी द्वारा निर्गमित आदेश पर प्रशासन के माध्यम से कोरोना महामारी जागरूकता के मद्देनजर टीकाकरण मुहिम को गति दी जा रही है। यही वजह है कि बीते दिनों जहां उप विभागीय अधिकारी सावन कुमार ने दिग्रस्त तहसील के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया, वहीं दिग्रस्त के प्रभारी तहसीलदार सुधाकर राठौड़ भी गाँव गाँव पहुंचकर जनता से आयोजित टीकाकरण शिविर में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। सर्व नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे की जे लसीकरणाचं जनजागृती अभियान सुरू आहे त्यांनी जनजागृती अभियानाला 100% प्रोत्साहित करावे आणि लसीकरणाला सहकार्य करावे। या मोहिमेमध्ये ग्रामस्तरावरून गटविकास अधिकारी साहेब, तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच शहरातून त्यांचे वैद्यकीय अधिकारी आणि मुख्याधिकारी नगर परिषद हे सुद्धा सतत झटत आहेत। त्यासोबत मी सुद्धा ज्या दिनांकापासून या ठिकाणी कार्यरत म्हणजे रुजू झालो त्या दिनांकापासून मी सुद्धा त्यांच्यासोबत जनजागृती अभियानमध्ये सहभाग आहे आणि सगळ्या लोकांना नागरिकांना आम्ही आवाहन करत आहोत विविध माध्यमातून। त्यामुळे सर्वांना एवढंच म्हणायचं आहे की या लसीकरणाला चांगलं प्रतिसाद द्यावं आणि लसीकरणाला सहकार्य करावे, ही एवढीच माझी विनंती आहे। सोमवार को इसी कड़ी में शहर के अंजुमन उर्दू स्कूल के मैदान पर और घंटी बाबा मंदिर में भी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां जायजा लेने पहुंचे नगर पालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले ने जानकारी दी कि अब तक दिग्रस में केवल 40% टीकाकरण हुआ है, इसलिए जनता से टीकाकरण मुहिम में हिस्सा लेकर दिग्रस को 100% टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने का आह्वान भी उन्होंने किया। दिग्रस शहरातील सर्व जनतेला माझे असे नम्र आवाहन आहे की आपल्या दिग्रस शहरामध्ये जवळपास फक्त 40% लोकांचे लसीकरण झालेले आहे, तरी आपल्याला 100% लसीकरण करण्याच्या दृष्टीने सर्व लोकांनी यामध्ये उत्स्फूर्तपणे आपला सहभाग घेणं आवश्यक आहे आणि आपलं स्वतःचं आणि स्वतःच्या कुटुंबियाचं लसीकरण करून घेणं आवश्यक आहे। ही जी कोरोनाची लस आहे, कोविशिल्ड असेल किंवा कोवॅक्सिन असेल, ही एकदम संपूर्णरित्या सुरक्षित आहे, याचे कुठलेही मेजर साईड इफेक्ट्स नाही। आतापर्यंत आपण 14,000 डोसेस दिग्रस शहरामध्ये दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये एकालाही अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे वाईट दुष्परिणाम हे जाणवलेले नाही। 2 दिवसानंतर सर्व व्यक्ती ठणठणीत झालेले असून त्यांचं या लस घेतल्यामुळे येणाऱ्या संभाव्य लाटेपासून पूर्णपणे संरक्षण होणार आहे। तरी माझी सर्व दिग्रसवासियांना कळकळीची विनंती आणि आवाहन आहे की आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येने प्रत्येक जणाने या ठिकाणी येऊन ग्रामीण रुग्णालय दिग्रस इथे नियमित लसीकरण चालू आहे, तसेच दररोज आपण वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कॅम्प लावतो, ते आपल्या कॅम्पमध्ये येऊन प्रत्येकाने आपलं लसीकरण करून घ्यावं, ही माझी विनंती आहे। सूत्रों की माने तो आगामी दिनों में नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रति कर्मचारी 10 लोगों का टीकाकरण कराने का लक्ष्य जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिली है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना प्रादुर्भाव में आई गिरावट के बाद शुरू हुई शिथिलता और दी गई ढिलाई से कोविड-19 वैक्सीन की ओर लोग नज़रअंदाजी बरत रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के टीकों का डोज पूरा करना न सिर्फ खुद के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रहित में भी दिए गए किसी योगदान से कम नहीं। इसीलिए अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है कि वो टीका लेकर टीकाकरण मुहिम को सफल बनाए। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।